हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं MCO 1, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हमारे पास से आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आपको मुझसे उसके लिए बात करना होगा 8101065300 नंबर पे, जिसका लिंक मैं जो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पे डायरेक्टली जा करके मुझसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द नोट्स इफ यू नीड। और उस नोट्स के अगर आप थ्रू पढ़ते हैं, प्लस जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, अगर आप उन सबको वॉच करेंगे, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में 70 to 80% मार्क्स आ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप उस चीजों को करें। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सही टाइम पे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो हमारे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। तो ये हम नहीं करेंगे, हम करेंगे रेजिस्टेंस टू चेंज। तो कमेंट ऑन द फॉलोइंग में 3-4 तरह की यू नो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स को डील करना होता है। तो सी नंबर जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो कि है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, लाइफ में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव हमेशा होते रहता है, चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई मेजर चेंजेस आएगा ना आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में भी या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखना आप उस चीज को रेजिस्ट करोगे, आप उस जो जो आपका चेंज आएगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो चेंज आया वो सही नहीं है, जो पहले से हो रहा था वही सही है, क्योंकि आपको अपने टाइम में बदलाव करना पड़ेगा। सपोज कोई जैसे हमारा स्कूल है, सपोज डे में क्लासेस चल रही है, अभी पहले मॉर्निंग में हुआ करती थी, अभी डे में चल रही है। अब जब ये मॉर्निंग में थी और अचानक से जब इसको डे कर दिया गया, तो हमें दिक्कत हुई, हमें एडजस्ट करना पड़ा, टाइम एडजस्ट करना पड़ा, यू नो मेंटल जो हमारा यू नो कंडीशन था उसको एडजस्ट करना पड़ा कि नहीं ठीक है अब हम लोग डे में क्लासेस करवाएंगे। आपके ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के मैं अगर सेकेंड कोई बात बोल दूँ कि ठीक है मैं शाम को करवा रहा था, अचानक से मैं बोलूँ कि मैं सुबह में आपसे करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास शाम में टाइम नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट करने में। और आप उस चीज को हल्का हल्का रेजिस्ट भी करेंगे कि नहीं ऐसा ना हो तो ही अच्छा हो, या ऐसा नहीं होने से अच्छा होता, है ना। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना, कि आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो। लेकिन किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए रेजिस्टेंस टू चेंज सही नहीं होता, क्योंकि जब भी हम बदलाव करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, राइट। बदलाव जब भी किए जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है जिसको करना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको एक तरीके से ठीक करने के लिए, या इसको एक तरीके से यू नो जो इस प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में इस टॉपिक में हमें बताया गया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि रेजिस्टेंस टू चेंज है, जब भी बदलाव होता है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इन सारी चीजों को ओवरकम करना है। ठीक है, चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। तो टुडे ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट इन अ वेरी डायनामिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। अभी के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही डायनामिक और चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। इन ऑर्डर टू बी बिकम कॉम्पिटिटिव दे मेक सुटेबल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सर्व कस्टमर्स बेटर, है ना। तो अभी के टाइम पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही हाई है, तो कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए, अच्छे मुकाम पे अपने कंपनी को लेकर के जाने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव बने रहना पड़ेगा। और उसके लिए टाइम टू टाइम जो है आपको अपने पॉलिसीज में, अपने स्ट्रेटजीज में चेंज करना पड़ता है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को खुश रख सके, राइट। इट ऑल्सो मेक्स दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन पार विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड हेल्प इन मेंटेनिंग एंड और इंप्रोवाइजिंग देयर एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ आउट प्रॉफिट, है ना। ये इस मामले में भी हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को लेकर के आएंगे, जिससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपका एफिशिएंसी है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। अब ये चीजें अगर बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आपका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है, लेवल ऑफ आउटकम है, लेवल ऑफ यू नो प्रॉफिट है, वो भी आपका बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पॉजिटिव होती है, है ना। ऑल सच फोर्सेज दैट इंडिकेट चेंजेस कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एंड दे आर इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज, ठीक है ना। तो ऐसे फोर्सेज जो कि एक तरीके से इनिशिएट करती हैं चेंजेस को होने के पीछे, या चेंजेस जब हो रही होती हैं तो उसका असर उसके ऊपर पड़ता है,
वो सारी चीजें हम एक एक करके करने वाले हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक तो है इंटरनल फोर्सेस मतलब कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो मैटर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्सेस कंपनी के बाहर का जो मैटर होता है, राइट। तो चेंज इन लीडरशिप की बात सबसे पहले कर लेते हैं, मैं थोड़ा इसका पॉइंट्स बता देता हूँ, कलर वाइज इसको चूज कर लेता हूँ। चेंज इन लीडरशिप हम करेंगे, चेंज इन इम्प्लॉइज प्रोफाइल करेंगे, चेंज इन इम्प्लॉइज मोरल एंड मोटिवेशन करेंगे, यूनियन इन्फ्लुएंस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी तो करेंगे, ठीक है। ये इंटरनल है, तो इंटरनल सबसे पहले कर लेते हैं। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, खूबसूरत लगेगा। जी हाँ, तो इफ देयर इज अ चेंज इन लीडरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देन दिस मे रिजल्ट इन चेंज इन परसेप्शन, स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज एंड रिजल्ट। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपकी कंपनी का बॉस बदलता है तो आपके काम करने का तरीका, आपका परसेप्शन जो है, आपकी स्ट्रेटेजी जो है, आपकी एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स, ये सारी की सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि बॉस टू बॉस ये एक्टिविटीज वैरी करती हैं। एक बॉस का काम अगर थोड़ा एग्रेसिव है तो एक बॉस थोड़ा सा काइंड हार्टेड है और धीरे धीरे अच्छे तरीके से अपने काम को करता है। तो उस चीज को होने के कारण अचानक से अगर आपका बॉस चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव होगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप रेजिस्ट करोगे उस चेंज को होने से, राइट। लेकिन ग्रोथ के लिए आपको उस चेंज का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चेंज इन लीडरशिप एक बहुत बड़ा फोर्स है जिसके जरिए एक तरीके से चेंजेस होते हैं। चेंज इन इंप्लॉइज प्रोफाइल, किसी भी इंप्लॉय के प्रोफाइल में आपने चेंज कर दिया, किसी को रिटायर कर दिया है ना, या किसी को प्रमोशन आपने दे दिया तो प्रोफाइल में चेंज कर दिया, तो उसके कारण से भी स्ट्रक्चर चेंज क्रिएट होता है। सो देयर आर सम चेंजेस इन द प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉइज दैट आर इनएविटेबल बिकॉज ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिस्चार्ज और रेजिग्नेशन। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि प्रोफाइल के एम्प्लॉइज में, जो एम्प्लॉइज के प्रोफाइल में चेंजेस होते हैं, वो इनएविटेबल कॉजेस के कारण होता है। जैसे कि मान लो किसी की डेथ हो गई, इनएविटेबल का मतलब होता है अनहोनी, मतलब जो चीज होनी ही है। आपने ये डायलॉग सुना भी होगा, थैनोस ने कहा था यू नो एंड गेम में कि मैं अनहोनी हूँ और मुझे कोई टाल नहीं सकता। तो इनेविटेबल चीजें हैं जो कि होती हैं, चाहे वो इम्प्लॉयज की डेथ हो जाए, उनका रिटायरमेंट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल सी हैं ये सब चीजें। लेकिन जब भी होंगी तो कंपनी के एम्प्लॉय के प्रोफाइल में चेंजेस होंगी और उस चेंजेस को हम रेजिस्ट करेंगे और उसको फिर हमें ओवरकम भी करना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। सो इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द इंक्रीज एंड देयर स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि रिसेंट टाइम्स में जो औरतों का पार्टिसिपेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो बहुत हद तक बढ़ा है और उसके कारण से बहुत तरह की चीजें जो है हमारे सामने आई हैं कि किस तरीके से हम साथ में मिलकर दोनों चीजों को आगे लेकर के जा सकते हैं, किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। सो इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है, यहाँ पे इम्प्लॉयज जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं अलग अलग देशों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दो देश के लोग गूगल में काम कर रहे हैं, गूगल में तकरीबन हर एक देश का व्यक्ति वहां पे काम करता है ना। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हम देख पा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में चीजें जो है काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण से जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेज हैं, है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको उनके अकॉर्डिंग जो है बदलनी होती है, चेंज करनी होती है, ताकि आप उनके साथ तालमेल बिठा करके काम को कर सको, है ना। तो एम्प्लॉय प्रोफाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है, फोर्स है बोल सकते हो, तीसरा है चेंज इन एम्प्लॉयज मोरल एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो मोरल है या उसका मोटिवेशन है, उसमें अगर बदलाव होता है, वो बदलाव क्यों होगा, हो सकता है वो लीडरशिप के कारण बदलाव हो, जो जिसका जो प्रिय बॉस था वो बॉस ही उसे छोड़ करके चला गया, कोई नया बॉस आया है, तो आपका जो काम करने का तरीका है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, लीडरशिप चेंज हो गया, कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई, कंपनी की प्रैक्टिसेस चेंज हो गई, तो आपके काम करने के तरीके में, आपके मोरल में, आपके मोटिवेशन में चेंजेस होंगे और आपको उस चेंज को ओवरकम करना होगा ताकि आप काम को ठीक तरीके से कर सकें। वही बात यहाँ पे बोली गई है, द चेंजेस इन द लीडरशिप पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में अफेक्ट द मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉई, इट कैन रिजल्ट इन द डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट्स। अब इसके कारण से जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो घट सकता है ना, प्रोडक्टिविटी घट सकती है आपकी, प्रोडक्शन घट सकता है और प्रॉफिट्स भी घट सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नजर आते हैं। चौथा फोर्स है जो कि अफेक्ट करता है, वो है यूनियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है जैसे वर्कर्स यूनियन होता है ना, डॉक्टर्स का यूनियन है, टीचर्स का यूनियन है, सबका अपना अपना यू नो यूनियन है, और उस यूनियन का इन्फ्लुएंस जो होता है वो एक तरीके से बिजनेस के ऊपर पड़ता है और उसके कारण से भी समटाइम चेंजेस जो है वो नजर आते हैं। नाउ डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन बाई मेनी गवर्नमेंट, द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनियंस ऑन मेनी ऑर्गेनाइजेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस, वेजेस, ईटीसी स्टिल परसेप्टेबल, है ना।
तो 1991 में जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पे सबको लगा कि नहीं, शायद जो जो यूनियन का सिस्टम है वो शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यूनियन का सिस्टम आज भी है। और जब भी किसी भी तरह का सर्विस से रिलेटेड कोई कंडीशन होता है, रिक्रूटमेंट की बात आती है या वेजेस रेट को बात आती है, वेजेस रेट की बात आती है कि कितनी सैलरी देनी है, तो उन सब केसेस में यूनियन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। द मैनेजमेंट इज डिजायर्ड टू मेक सुटेबल चेंजेस एंड रिस्पॉन्स टू डिमांड्स ऑफ द यूनियन। और जो मैनेजमेंट होती है उसको जो डिमांड्स है यूनियन के, उसको पूरा करने के लिए उसके हिसाब से जो है उनको सुटेबल चेंजेस करनी पड़ती है, ताकि यूनियन जो है उनके काम में अड़ंगा ना लगाए और उनका काम ठीक तरीके से होता रहे। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फोर्सेस है जो कि कंपनी को अंदर से एक तरीके से चेंज करवाने में एक तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं, या चेंज उनको करना पड़ता है। ठीक है। द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन चेंजेस ऑफ जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, है ना। तो कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर किसी भी कंपनी में होगा तो उसके कारण से आपके जॉब में बदलाव हो सकता है। सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में आई है, इसको सिर्फ आप ही को चलाने आता है, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप तुम इसी काम को संभालो, तुमको जो काम करे तो वो तुमको नहीं करना होगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बदल गया, किसी एक चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में आपको 10 घंटे लग रहे थे, अब उस चीज को प्रोड्यूस करने में आपको तुरंत हो जाएगा, क्योंकि आप मशीन के सहारे कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के सहारे कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉय, ये सारी के सारे चेंजेस देखने को मिलती हैं जब हम नई टेक्नोलॉजी को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। इट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल चेंज लाइक एडिंग ऑफ मोर कंप्यूटर्स। अब इसमें किस तरह के बदलाव आएंगे कि आपने ज्यादा कंप्यूटर्स खरीद लिए, चीजें जो है ऑटोमेशन पे हो गई हैं, ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोगों को छांटने लगते हो, री इंजीनियरिंग करने लगते हो प्रोग्राम्स का, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। द फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी ऑफ रीब्रॉडबैंड ऑफ ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट हैज इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अभी के टाइम पे आपको पता है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, कंप्यूटर पे हो रही हैं, तो उसके कारण से मार्केट में भी बहुत तरह के चेंजेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो क्रिएटेड ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी के केस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं अभी के टाइम पे, तो इसके कारण से भी एक जो है चेंजेस हमें देखने को मिलता है और हम उस चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, चलिए फिर करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग करेंगे वो है कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉम्पिटिशन करेंगे, फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन करेंगे, फिर करेंगे सोशल ट्रेंड, और उसके बाद करेंगे हम ग्लोबल पॉलिटिक्स। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। नाउ, ग्लोबल कंपटीशन हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशंस। इट हैज रिजल्टेड इन मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रेंड्स एंड दे हैव बीन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। तो ग्लोबल कंपटीशन के कारण आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज बाहर से इंडिया में आ सकती हैं और इंडिया से बाहर भी जा सकती हैं, तो इसके कारण से जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई हो गया है और ग्लोबल हो गया है। एक कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती किसी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जब कोई बड़ी कंपनी हमारे देश में आएगी, जैसे कि वॉलमार्ट का एग्जाम्पल ले लो, जब वॉलमार्ट हमारी कंट्री में आया तो उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। फ्लिपकार्ट हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा जाइंट था, लेकिन उससे भी बड़ा जाइंट वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। तो वही बोला जा रहा है कि कॉम्पिटिशन के टाइम में, अभी के टाइम में देखा जाता है कि बहुत सारे मर्जर्स, बहुत सारे एक्विजिशन होते हैं जो कि साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसके कारण से चेंजेस होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। राइट। द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक सुटेबल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स फ्रॉम द कॉम्पिटिशन दे फेस इन द ग्लोबल मार्केट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें उनको जो है अपने काम में सुटेबल चेंजेस करनी पड़ती हैं, ताकि वो जो है जो डिमांड्स है ग्लोबल मार्केट का कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए, उन डिमांड्स को उनको पूरा कर किया जा सके, उनको पूरा करना होता है। राइट। ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्वायर द कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स रैपिडली एंड मार्केट देम क्विकली, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के पास एक तरीके से कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो तुरंत जो है नए नए प्रोडक्ट्स को तैयार कर सके और उसको मार्केट कर सके अपने अपने मार्केट में, अपने जो भी उनका मार्केट बेस है वहां पे। दीज कॉम्पिटेटिव चैलेंजेस कैन बी फेस्ड बाई शॉर्ट प्रोडक्शन रन, शॉर्ट प्रोडक्ट साइकिल्स, बाई इक्वली फ्लेक्सीबल एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम। ये चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपका प्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट टाइम का होगा, शॉर्ट जो आपका प्रोडक्ट का साइकिल है वो भी शॉर्ट होगा, और इक्वली ये फ्लेक्सिबल भी होगा, तो ये चीजें प्लॉसिबल है। अभी के टाइम पे आप फोन का एग्जाम्पल ले लो, हर साल एक नया फोन लॉन्च होता है सेम कैटेगरी में, आप समझ रहे हो। ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग, इन लोगों को पता है कि
प्रोडक्शन हमें शॉर्ट करके रखना है, अगले साल फिर बनाना ही है, तो अपना प्रोडक्शन कम करके रखो, प्रोडक्शन की साइकिल को छोटी कर दो और फ्लेक्सिबल बना करके रखो, रिस्पॉन्सिव बना करके रखो, ताकि अगला साल जब कोई चेंजेस हो तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर चीजों में बदलाव कर सके और नया फोन हम लॉन्च कर सके। समझ रहे हो? अगला पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो हमें देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक रेट है, चेंज रेट है मार्केट का, वो हमेशा बदलते रहता है, तो उसके कारण से भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन द सिक्योरिटी मार्केट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ईटीसी कंटिन्यू टू इम्पोज ड्रास्टिक चेंज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट में, उसके इंटरेस्ट रेट्स में, एक्सचेंज रेट्स में, ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूस एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर डालता है, जिसके कारण से ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं और उन चेंजेस को हम रेजिस्ट करना चाहते हैं। अगला है सोशल ट्रेंड्स। द चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स लाइक इंक्रीज इन कॉलेज अटेंडेंस, डिलेड मैरिजेस बाय यंग पीपल, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज एक्सेट्रा आर टू बी कंसिडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सोशल ट्रेंड्स में हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारी चीजें, जैसे कि कॉलेज ज्यादा अटेंड करना, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, यंग लोग शादियां नहीं कर रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं कि पहले कुछ बन जाए उसके बाद फिर वो शादी करें, तो वो शादी करने में देर कर रहे हैं। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करें विमेन और बैकवर्ड कम्युनिटीज की, तो वो भी हमें देखने को मिलती है कि अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो सोशल ट्रेंड्स हैं, इसके कारण भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में असर पड़ता है, और इस सारे चेंजेस को हमें रेजिस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे चेंजेस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चेंजेस इन सोशल ट्रेंड्स रिजल्ट इन फ्लक्चुएशंस इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय दिस सेट ऑफ ग्रुप। अभी जो चेंजेस जब आएंगी तो इनका जो डिमांड होगा मार्केट में वो घटेगा बढ़ेगा। अब सपोज शादियां अगर किसी की पहले हो रही हैं, तो जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं या जो शादियों का जो लहंगा वगैरह जो भी चीजें होती हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ जाती होगी एक सर्टेन टाइम में, है ना। लेकिन चूंकि ये लोग इस काम को देर से कर रहे हैं, शादियां वगैरह देर से कर रहे हैं, तो ये लोग डिमांड पे एक तरीके से असर पहुंचा रहे हैं, डिमांड उस तरीके से क्रिएट नहीं हो पा रहा, राइट। आप समझ रहे हो कि ये सोशल ट्रेंड के कारण भी बहुत सारे चेंजेस होती हैं, वही बात यहाँ पे बोली गई है ना। ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ भी आ जाएगा, जैसे अमेरिका का वॉर करना इराक के साथ या अफगानिस्तान के साथ, और 9/11 के इंसिडेंट के बारे में यहाँ बताया गया है, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बारे में बताया गया, ये सारी चीजों का असर भी हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस जो है इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इर्द गिर्द अगर डिपेंडेंट होगा तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, अगर नहीं भी होगा तो भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अभी आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, स्टिल उसका असर जो है पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है ना। पूरे वर्ल्ड के मार्केट क्रैश कर रहे हैं, हमारा जो इंडियन रुपी है वो बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसको हम रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, या रेजिस्टेंस टू चेंज हम क्रिएट जो करते हैं उसको ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है, सो रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी डिस्क्राइब एज एन एटीट्यूड और बिहेवियर दैट शोज दिस इंक्लिनेशन और रिलक्टेंट टू अप्रूव अ पर्टिकुलर चेंज। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर काइंड का एटीट्यूड या बिहेवियर, जहां पे आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप रिलक्टेंट होते हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पर क्योंकि वो चेंजेस इंपॉर्टेंट है तो एट द एंड आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको काम भी करना चाहिए। दिस रेजिस्टेंस इज टू बी ओवरकम फॉर सक्सेसफुल चेंज। ये रेजिस्टेंस एक तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो सक्सेसफुल चेंज करके, या रेजिस्टेंस जब आप करोगे तो आप सक्सेसफुल आप नजर आए होंगे, चीजें आपको सही नजर आएंगी। देयर आर ओकेजंस व्हेन रेजिस्टेंस टू चेंज सर्व एज अ फीडबैक टू रिकंसिडर द प्रपोज्ड चेंज। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो ऐसे फीडबैक भी काम करता है। सपोज आपने कुछ करा, वो चीज लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको पता चला कि नहीं मेरी जो पॉलिसी है उसमें शायद कुछ गड़बड़ है, नहीं तो इतने सारे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। तो ये उनके लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक तरीके से फीडबैक के रूप में काम करता है। ठीक है ना, पर कई बार आपको कड़े फैसले लेने होते हैं, आपको पता है कि जब आप कोई बदलाव करोगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो जरूरी है, आपको ऐसा लगता है कि वो जरूरी है, तो आपको वो करना चाहिए, और लोग भी इवेंचुअली समझ जाते हैं। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द रियल मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू रेजिस्टेंस टू कंसीडर ऑब्जेक्शंस रेज्ड एंड मेक सुटेबल अमेंडमेंट्स एंड एजुकेट द पीपल सॉरी एजुकेट द एम्प्लॉइज अबाउट द प्रपोज चेंज। ठीक है ना, क्या ये बात बोली गई कि जब आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को समटाइम्स मिलता है, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए।
मैं अगर अग्निवीर का एग्जाम्पल लूं तो अग्निवीर के केस में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर के आया, लोगों को पसंद आया, कई लोगों को पसंद नहीं आया। जिन लोगों को पसंद नहीं आया, ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन लोगों ने डिस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाया लोगों गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेलगाड़ियों में आग लगा दी, उन्होंने घरों में आग लगा दी, उन्होंने जो गाड़ियां वगैरह थी उनको जला दी। अब ये कौन सा तरीका होता है रेजिस्टेंस को क्रिएट करने का, ये कौन सा तरीका होता है एक तरीके से अपोज करने का, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं था। अगर आपको करना ही था तो आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में करना चाहिए था। देखो यहाँ पे जो बोल रहा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने ऑब्जेक्शन को रेज करना चाहिए ताकि उनको जो है आप झुका सको, उसमें जो सुटेबल चेंजेस करने चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए, आप वो चीजें उनमें करवा सको, है ना। आपको तब तक उसको जो इम्प्लॉयज है उनको भी टाइम मिल जाएगा कि वो लोगों को एक तरीके से एजुकेट कर सके, जो गवर्नमेंट थी उनको भी टाइम मिलता कि वो लोगों को और अच्छे तरीके से बता सके कि इसके फायदे क्या है, आप समझ रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। रेजिस्टेंस कैन बी ओवर्ट, इम्प्लिसिट एंड इमीडिएट एंड डिफर्ड, है ना। रेजिस्टेंस जो है वो ओवर्ट हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है और डिफर्ड भी हो सकता है। डिफर्ड के केस में वायलेंस होता है, डिफर्ड के केस में लोग रेजिस्टेंस को एक तरीके से प्रॉब्लम मानते हैं, रेजिस्टेंस को वो लोग चाहते ही नहीं है, वो उस चेंज को होने ही नहीं देना चाहते, ठीक है। सो व्हेन द रेजिस्टेंस इज ओवर्ट एंड इमीडिएट द मैनेजमेंट कैन टेक इमीडिएट रेमेडियल स्टेप्स टू डील विद सच रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर अचानक से समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो उस टाइम पे इमीडिएट वे में जो मैनेजमेंट है वो कुछ ना कुछ चीजें कर सकता है, रिमेडियल स्टेप्स ले सकता है। सपोज कोई रूल लाया गया जिसके रेजिस्टेंस है तो वो उस रूल में थोड़े से बदलाव कर देगा, वो देखेगा कि क्या लोगों की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े से चेंज कर देगा, अमेंडमेंट कर देगा, है ना। तो आप उस चीज को डील कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ओवर्ट और इमीडिएट केस में आप इन चीजों को कर सकते हो। द इम्प्लिसिट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सिर्फ रेजिस्टेंस ही क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे लॉयल्टी चली जाती है, इम्प्लॉयज की लॉयल्टी चली जाएगी, इम्प्लॉयज का मोटिवेशन चला जाएगा, उनका जो गलतियां हैं उनको होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज मिस्टेक्स होने लगेंगे, इंक्रीज एब्सेंटीज्म होने लगेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा आपके जॉब में आने से एब्सेंट करने लगेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है इम्प्लिसिट रेजिस्टेंस में, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो कर रहे हो उसका असर नेगेटिव ना पड़े। तो व्हेन सब्सटेंशियल अमाउंट्स हैव बीन ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड इन कैरिंग आउट द चेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, डिफर्ड रेजिस्टेंस क्रिएट्स प्रॉब्लम टू द मैनेजमेंट, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है डिफर्ड रेजिस्टेंस की, जो कि एक तरीके से बहुत ही मेजर इशू होता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें एक तरीके से हाथ से निकलने लगती हैं, लोग थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रख करके अपने बदलाव करने होते हैं। द रेजिस्टेंस टू चेंज मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल और बोथ, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा भी या फिर तो दोनों के द्वारा, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस टू चेंज आपके पास हक है कि आप उस चीज को रेजिस्ट करो, लेकिन साथ ही साथ आपको आगे पीछे की चीजें भी देखनी होंगी कि क्या ये सही है गलत है ना। और लॉन्ग टर्म में देख करके फिर आपको डिसाइड करना होता है, अगर चीजें सही हैं तो रेजिस्टेंस कितना ही खराब क्यों ना हो सकता है कि आपका चेंजेस बहुत ही ड्रास्टिक हो, बहुत ही सही नहीं हो, लेकिन अगर वो फ्यूचर के लिए सही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। Thank you.